हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी। वो भी घर में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ हम इसे बनाएंगे। बिल्कुल मार्केट जैसा कंडेंस मिल्क बन के तैयार होगा। तो चलिए देर ना करते उसकी रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। बिल्कुल मार्केट जैसा कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमने यहाँ पे हेवी बॉटम वाला एक पैन लिया है। इसमें हम थोड़ा सा घी देके इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि जो दूध है वो इसके बॉटम के नीचे चिपके नहीं। हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें 1/2 लीटर दूध यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे फुल फैट मिल्क का यूज़ किया है। आप लो फैट मिल्क भी ले सकते हैं, या टेट्रा पैक मिल्क भी ले सकते हैं, या फिर आप काओ मिल्क भी ले सकते हैं, बफालो मिल्क ले सकते हैं। कोई भी दूध का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे उबाल आने तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, क्योंकि जब अगर हम इसे कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो इसमें जो है मलाई जम जाएगा और ये फिर ये रबड़ी जैसा बन जाएगा। इसीलिए इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें। कंटिन्यू चलाने से इसमें मलाई नहीं जमेगा, और जब हम कंटिन्यू चलाएंगे तो हम हाई फ्लेम पे ही चलाएंगे। इसीलिए हमने थोड़ा बड़ा बर्तन लिया है ताकि दूध में अगर उफान भी आता है तो उफान के दूध नीचे गिरे नहीं। और जो साइड साइड से मलाई जो जम रहा है इसे भी हम स्टेयर करके इसके अंदर डालते जाएंगे ताकि कोई भी मलाई जमे नहीं। इस तरह से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे ताकि दूध जो है 30% इसमें से रिड्यूस हो जाए, यानी 70% दूध जब रह जाए। इतना देर तक हम इसे हाई फ्लेम पे ही कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। और जब ये थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होने लगेगा तब हम यहाँ पे चीनी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ 70% के लगभग जो है इसमें दूध रह चुका है, 30% में से रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे हम 1/2 लीटर चूंकि दूध लिए थे तो हम 225 ग्राम हमने यहाँ पे चीनी का यूज़ किया है। तो हम इसमें चीनी डालेंगे, और जैसे ही चीनी हम इसमें डालेंगे आप देखेंगे कि इसका जो है कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा। कलर इसलिए चेंज होता है क्योंकि चीनी डालने के बाद दूध में का जो है कैरमेलाइज होना शुरू हो जाता है। तो कैरमेलाइज होगा तो इसका जो है कलर बहुत ही चेंज हो जाएगा और इसमें दो गाढ़ापन भी आना शुरू हो जाएगा। अब हम इसे और भी कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि दूध जो है हमें बहुत गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है करीब हमने यहाँ 15 से 20 मिनट हमने दूध को पका लिया है। दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा जरूर हुआ है लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। तो अभी देखते रहिए आप, इसे हम अभी कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, इसे आप रोके नहीं तो इसमें मलाई जमने लगेगा, फिर जो है दूध आपका जो है कंडेंस मिल्क अच्छा नहीं बन पाएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। अब आप देख रहे हैं कि दूध जो है 50% जो है रिड्यूस हो चुका है, आप दूध रह चुका है करीब। लेकिन अभी इसे हम थोड़ा सा गाढ़ा और करेंगे। अभी हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये गाढ़ा दूध जरूर हुआ है लेकिन इसे अभी भी थोड़ा और गाढ़ा है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हैं कि दूध गाढ़ा जरूर हुआ है लेकिन थोड़ा सा इसे हमें और पकाना है, थोड़ा और गाढ़ा करना है। तो हम इसे हाई फ्लेम पे ही पका रहे हैं ताकि कंटिन्यू जल्दी से बन जाए। और यहाँ पे चूंकि हम यहाँ खड़ा होकर पकाएंगे और कंटिन्यू ही चलाते रहेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। देखिए अब दूध जो है आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये गाढ़ी हो चुकी है आप देख सकते हैं। इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का भी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें नहीं गाढ़ा करना है क्योंकि इससे गाढ़ा हम ये जो है ठंडा होने पे और जम जाएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी इतना ही हमें रखनी है, कंसिस्टेंसी का हमें बहुत ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल मलाई नहीं जमा हुआ है क्योंकि हमने इसे कंटिन्यू चलाया है। और यहाँ पे हमने गैस को ऑफ कर दिया है। गैस ऑफ करने के बाद 2 पिंच के बराबर हम खाने वाला सोडा यूज़ करेंगे, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, इसे गाढ़ापन भी देगा और साथ साथ बिल्कुल मार्केट जैसा इसका आपको कलर टेक्सचर भी मिलेगा। तो आप ये देखिए जैसे ही आप इसका सोडा का यूज़ करेंगे आप ये काफ़ी गाढ़ा होने लगेगा और ये उफान भी इसमें आने लगेगा। तो इसे हम इसे कंटिन्यू पहले चला लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया है।
अब गैस ऑफ करने के बाद इसे हमें 30 सेकंड के लिए और पकाना है, तो हम यहाँ पे गैस को फिर से ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद 30 सेकंड के लिए हम इसे और पकाएंगे। घड़ी देख के आप 30 सेकंड ही पकाएं, उससे ज़्यादा नहीं पकाएं, चूँकि इसे हमें गाढ़ा नहीं करना है, बस एक बार इसे पका लेना है। तो ये देखिए 30 सेकंड के लिए हमने इसे पका लिया है। अब इस तरह से आप कंडेंस मिल्क बनाएंगे, तो इसे आप ठंडा करके एक एयर टाइट डब्बे में भर के फ्रिज में 1 महीने के लिए रख लें, और जब भी आपको हलवा बनाना हो, खीर बनाना हो, डेजर्ट बनाना हो, या फिर मिठाई बनाना हो, केक बनाना हो, कुकीज़ बनाना हो, आइसक्रीम बनाना हो, सभी के लिए आप इसका आराम से यूज कर सकते हैं। तो अब पर्व त्यौहार जब भी आए आप इसे पहले से बना के रख लें, ताकि आपको डेजर्ट मिठाई वगैरह बनाने में सुविधा हो सके। तो देखिए 30 सेकंड पकने के बाद हम यहाँ पे इस गैस को ऑफ कर देंगे और इसे कंटिन्यू थोड़ा देर चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कंडेंस मिल्क बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाएगा, और फ्रिज के में रखने के बाद ये थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, कंडेंस मिल्क जो है बिल्कुल बनके तैयार है। इसे अब आप एक एयर टाइट डब्बे में भर के आराम से 1 महीने के लिए फ्रिज में रख लें, और जब भी आप जो भी आइटम बनाना चाहें उसे आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम 3 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे कि यदि कंडेंस मिल्क पतला बन गया है तो इसे थोड़ा सा और पका लें, यदि ये गाढ़ा बन गया है तो थोड़ा सा दूध डाल के आप इसे और पतला कर लें, या फिर ये दानेदार बन गया है तो इसे आप मिक्सी में एक बार जला लें। वैसे इस वीडियो को अगर आप देख के बनाएंगे तो ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये कंसिस्टेंसी देखिए, ये कंडेंस मिल्क की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आप बहुत ही यूज़फुल भी ये वीडियो आपको लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आने वाले बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।